ये देखिए मैंने क्यों बोला था इसको क्लीन करने के लिए। देख रहे हैं जेट्स के हाल। हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट ग्रुप में जितेंद्र। दोस्तों आज हमारे पास है थंडरबर्ड कार्बोरेटर मॉडल, BS4 मॉडल है ये। एंड ये जो है बाइक बहुत दिनों से खड़े होने की वजह से ना ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। एंड इसका अगर मैं पेट्रोल दिखाऊं, ये मैंने अभी रिसेंटली पेट्रोल भर के आया हूँ अभी जस्ट। एंड इसके अंदर जो पेट्रोल निकला ये दोनों कलर देखिए, ठीक है। तो दोस्तों पेट्रोल जो है वो चेंज करने वाले हैं इसका, इसमें नया पेट्रोल भरेंगे, जितना पेट्रोल है इसके अंदर निकालेंगे उसको। एंड कार्बोरेटर क्लीन करेंगे, साथ ही साथ स्पार्क प्लग क्लीन करेंगे एंड उस बाइक को स्टार्ट करने वाले हैं। मैं करके भी दिखाता हूँ किस तरह से स्टार्ट नहीं हो रही है। एंड बहुत सारी डिटेलिंग ना, अगर आपकी बाइक बहुत दिनों से खड़ी है, अगर वो स्टार्ट नहीं हो रही है एंड स्टार्ट करने का प्रोसेस क्या होता है वो भी हम बताने वाले हैं। तो मेक श्योर इस वीडियो का जो देखिए, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों अभी मैं दिखाता हूँ आपको क्या ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो उसका चाबी जब हम ऑन कर रहे हैं तो सही वर्क कर रहा है, बैटरी वैटरी भी, इवन बैटरी वैटरी भी सही है। एंड सेल्फ से स्टार्ट कर रहे हैं तो भी नहीं हो रहा है। एंड बहुत सारे किक भी मारे हैं फिर भी ये वर्किंग जो है नहीं कर रहा। तो अभी जो है हम इसका स्पार्क प्लग क्लीन, पेट्रोल चेंज एंड कार्बोरेटर किस तरह से करके दिखाते हैं एंड कैसे इस बाइक को स्टार्ट करने वाला हूँ वो मैं दिखाता हूँ। ये सभी प्रोसेस में सबसे पहले हम जो है इसका कार्बोरेटर को क्लीन करने वाले हैं। कार्बोरेटर के अंदर ग्रीन कंपाउंड जम जाता है, मैंने पहले भी कर रखा है ये। अगर आप लॉन्ग टाइम तक बाइक को खड़ा करते हैं ना तो ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो जो इसके जेट होते हैं अंदर वाले वो थोड़ा ब्लॉक हो जाते हैं, प्रॉपरली जो है फ्यूल है वो नहीं लेते हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। दोस्तों कार्बोरेटर जो निकल चुका है, अब नीचे से जो है इसको ओपन करेंगे, ठीक है। मेन कंपार्टमेंट जहाँ जहाँ फ्यूल जो है आता है उस वहीं पे जो है जेट होंगे, उसको भी क्लीन करके देखते हैं। तो इसको भी ओपन करते हैं। ये देखिए मैंने क्यों बोला था इसको क्लीन करने के लिए। देख रहे हैं जेट्स के हाल, इसका हाल देखिए और ये इसका हाल देखिए। तो बहुत छोटा पतला होल होता है इधर पे जो ऊपर जो है पेट्रोल जाता है एंड वही जो है एकदम ब्लॉक हो जाता है, इसकी वजह से पेट्रोल जो है प्रॉपरली नहीं जा पाता, एयर के साथ मिक्स होकर नहीं जा पाता, इसलिए कम्बशन प्रॉपरली नहीं हो पाता। तो इसीलिए कार्बोरेटर क्लीन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब इसको क्लीन करने के लिए मैं OKS का क्लच एंड ब्रेक क्लीनर यूज़ कर रहा हूँ। कार्बोरेटर क्लीनर भी आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, पेट्रोल से भी क्लीन कर सकते हैं, बट ये बहुत सही वर्क करता है। तो जस्ट आपको स्प्रे करना है एंड थोड़ा कपड़ा घुमा दीजिए एंड ये देखिए डस्ट जो आ रही है। ये देखिए कितनी डस्ट निकल रही है इसके अंदर से, ये सारी डस्ट इसी में लगी हुई थी ये देखिए। तो इसके वजह से कैसे पेट्रोल जो है ऊपर जाएगा। तो दोस्तों जो जेट है उसको प्रॉपरली क्लीन कर दिया है, तो पूरा एयर जो है प्रॉपरली पास हो रहा है। पहले ये पूरा अच्छे से ब्लॉक हो गया था, इसके अंदर से डस्ट बहुत सारी निकली है एंड नीचे वाला एरिया भी जो है क्लीन कर दिया है। एंड अब थोड़ा सा एक बार और स्प्रे करेंगे एंड फाइनल क्लीनिंग करके जो है इसको पैक करते हैं ताकि एक प्रोसेस जो है वो डन हो जाए। तो कुछ भी डस्ट होगा वो इस स्प्रे से निकल जाएगा। तो दोस्तों कार्बोरेटर जो है वो प्रॉपरली फिट हो गया एंड एयर फिल्टर मैंने चेक कर दिया, एयर फिल्टर भी पूरा क्लीन ही पड़ा है, बहुत दिनों से गाड़ी ऐसे पड़ी थी। हल्का फुल्का साफ सुफ करके जो है इसको कर देंगे एंड उसके बाद जो है स्पार्क प्लग थोड़ा क्लीन करेंगे। दोनों ही स्पार्क प्लग जो है ट्विन स्पार्क है तो दोनों ही जो है कार करेंगे एंड उसके बाद स्टार्ट दिखाता हूँ आपको।
तो अब बारी आती है इसको टेस्ट करने की। सभी चीज कर दी गई है एंड देखते हैं स्टार्ट होती है नहीं होती है। ओके नहीं हुई, अभी भी नहीं हुई। Yeah.